हेलो दोस्तों वेलकम टू चैनल जहां पे हम आपके लिए लेके आते हैं हर दिन एक नया सवाल इन आर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग दिस इज वेरी यूजफुल फॉर द मेन एंड एडवांस एस्पिरेंट तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक सवाल जो कि एलिप्स चैप्टर से उठाया गया है दोस्तों ये सवाल इतना बड़ा है कि पूरा का पूरा स्क्रीन यहाँ पे भर चुका है बट चलिए आइए पढ़ते हैं इस सवाल को डिफाइन द कलेक्शन बेसिकली एक सेट है ई वन ई टू थ्री का ऑफ एलिप्सिस एंड देर इज अ सेट आर आर टू आर थ्री ऑफ रेक्टेंगल्स Which is as पे जो है, इलिप्स जो है उसका इक्वेशन है एक्स प्लस वाई स्क्वायर बाय फोर इक्वल टू वन और जो रेक्टेंगल आर वन हैल टू दाइब इन ईवन जी हाँ तो आर वन एक रेक्टेंगल है जो की ईवन के अंदर इंस्क्राइब है और उसके बाद आगे पढ़ते हैं दोस्तों ठीक in है तो इलिप्स ई एन जो बनाई जा रही है यहां पे जो सब्सिक्वेंट इलिप्स बनाए जा रहे हैं ई एन उनका इक्वेशन यहां पे दिया गया है एंड दीज इलिप्स आर ऑल्सो ऑफ द लार्जेस्ट एरिया जी हाँ और फिर उसके अंदर रेक्टेंगल जो बनाया गया है वो सेम तरीके से बनाया गया है सो रेक्टेंगल इज द रेक्टेंगल ऑफ लार्जेस्ट एरिया विद टू इन ठीक है तो जितने भी और इलिप्सिस बनाए जा रहे हैं वो इस प्रकार से बनाए जा रहे हैं कि इलिप्स के अंदर रेक्टेंगल है ऑफ लार्जेस्ट एरिया रेक्टेंगल के अंदर इलिप्स है ऑफ लार्जेस्ट एरिया फिर उस इलिप्स के अंदर रेक्टेंगल ऑफ लार्जेस्ट एरिया एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ तो दोस्तों यहां पे पूछा क्या गया Then which of the following options are correct? ठीक है? है ठीक तो लगता है कि तो मल्टीपल करके सबसे आउटर लिप दिख रहा है जिसको हम लोग ई कह रहे हैं उसके अंदर आपको एक रेक्टेंगल बनाया गया है व्हाइट कलर का इस रेक्टेंगल को हम लोग आर वन कह रहे हैं अब दोस्तों यहां समझते हैं कि जब हम बात करते हैं किसी भी रेक्टेंगल को विच इज इनस्क्राइब्ड विद इन दिस पर्टिकुलर इलिप्स तो उस रेक्टेंगल के कॉर्नर्स को दिखाने के लिए हम लोग पैरामेट्रिक इक्वेशन का सहारा लेते हैं तो हम सब जानते हैं कि एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू वन इसका जो पैरामेट्रिक फॉर्म होता है दोस्तों इसका जो पैरामेट्रिक फॉर्म होता है वो होता है एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा एंड वाई इक्वल टू बी साइन थीटा तो इस पैरामेट्रिक इक्वेशन को यूज करके हम इस पॉइंट को सेलेक्ट कर सकते हैं यहां जो मैं पी की तरह दर्शा रहा हूं जी हाँ पी पॉइंट को हम लोग तो सेलेक्ट कर सकते हैं एज ए कॉस्टीटाइन थीटा विच इज नी कॉस थीटा कॉमा टू साइन थीटा क्योंकि जो हमारा पहला इलिप्स है उसमें इन आवर ई वन ए वैल्यू इज थ्री एंड बी वैल्यू इज टू जी हाँ अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं अब हमें एक रेक्टेंगल बनाना है इस प्रकार से ताकि उसके साइड्स पैरेलल हो टू दिस पर्टिकुलर ग्राफ ठीक है तो ये रेक्टेंगल जो हमारा होगा उसके जो कॉर्नर्स होंगे आइए उनको नाम दे देते हैं पी क्यू आर और एस जी हाँ और क्योंकि पी क्यू है वाई एक्सिस के तो मैं कह सकता हूं जो क्यू के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे थ्री कॉस थीटा माइनस टू साइन थीटा ठीक है, आर के कोऑर्डिनेट क्या होंगे माइनस थ्री कॉस थीटा माइनस टू साइन थीटा और एस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे एस के कोऑर्डिनेट होंगे माइनस थ्री कॉस थीटा टू साइन थीटा जी हाँ। तो इस रेक्टेंगल के जो साइड लेंथ हो गए वो क्या हो जाएंगे पी क्यू का वैल्यू हो जाएगा हमारा फोर साइन थीटा ठीक है पी क्यू हमारा जो uh, रेक्टेंगल का वन ऑफ द साइड्स है वो हो जाएगा फोर साइन थीटा

थीटा अब इसको मैक्सिमाइज करना है दोस्तों मैक्सिमाइज करने के लिए हमें मालूम है साइन टू चाहिए अगर साइन टू थीटा वन है तो टू की वैल्यू पाई बाय टू होनी चाहिए और थीटा की वैल्यू पाई बाय फोर होनी चाहिए दोस्तों जी हाँ तो हमारा जो थीटा वैल्यू है वहां पाई बाय फोर आएगा तभी जाके एरिया ऑफ आर वन मैक्स वैल्यू जो निकल के आएगी वो होगी ट्वेल्व स्क्वायर यूनिट्स ट्वेल्व स्क्वायर यूनिट्स ठीक है तो बहरहाल हमें थीटा का, का काम है यहां पे तो ये पॉइंट जो हमारा P होगा दोस्तों वो जाएगा थ्री बाई रूट टू कॉमा टू कह सकता हूं कि जो हमारा इलिप्स नंबर टू होगा जो हमारा इलिप्स नंबर टू होगा उसका जो ए वैल्यू होगा वो होगा थ्री बाय रूट टू और उसका जो बी वैल्यू होगा वो होगा टू बाय रूट टू जी हाँ तो हमारा इलिप्स नंबर जो टू होगा दोस्तों यहां पे से सुनिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो इलिप्स नंबर टू होगा उसका जो ए होगा वो हो जाएगा थ्री बाय रूट टू और बी होगा टू बाय रूट टू करेक्ट क्या मैं कह सकता हूं कि अगर ये सिलसिला कायम रहता है दैट मींस इफ आई ड्रॉ अनदर रेक्टेंगल विद इन इलिप्स नंबर टू दैट इज आर टू और फिर उसके अंदर एक इलिप्स बनाता हूं तो ये सिलसिला अगर कायम रहता है तो हमारा जो इलिप्स नंबर थ्री होगा उसका ए हो जाएगा थ्री बाय रूट टू स्क्वायर एंड उसका जो बी होगा वो होगा टू बाय रूट टू स्क्वायर करेक्ट सिमिलरली ई फोर क्या होगा ई फोर का ए क्या होगा ई फोर का ए होगा थ्री बाय रूट टू क्यूब और बी क्या होगा टू बाय रूट टू क्यूब जी हाँ तो ये सिलसिला अगर बढ़ता जाएगा तो जो हमारा एनिप्स होगा उसका ए वैल्यू होगा थ्री बाय रूट टू टू दी पार एन नहीं एन माइनस वन यहां ध्यान रखिएगा जो भी नंबर है उससे एक लेस पावर है रूट टू पे ठीक है और बी का वैल्यू क्या होगा बी का वैल्यू होगा टू बाय रूट टू टू दी पार एन माइनस वन जी हां चलिए अब बात करते हैं हमारे ऑप्शंस की हमारा पहला ऑप्शंस बोलता है एसेंट्रिसिटी ऑफ e18 एटीन एंड ई नाइनटीन आर नॉट इक्वल चलिए क्या ये सत्य है इस सत्य का खुलासा करते हैं तो हमारा जो एसेंट्रिसिटी होगा किसी भी इलिप्स का चलिए मान लीजिए ई एन ही मान लेते हैं उसका एसेंट्रिसिटी होगा अंडर रूट ऑफ वन माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर जी हाँ मैंने ये फॉर्मूला क्यों चूज किया क्योंकि ए ग्रेटर देन बी है हम सबको मालूम है कि अगर हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द एलिप्स होता है जहाँ पे b इज लेसर दैन a, तो एसेंटिसिटी होती है अंडर रूट ऑफ वन माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर तो दोस्तों अगर हम यहाँ पे b और a की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मिलेगा टू स्क्वाय रूट टू टू दी पार टू एन माइनस वन बाय ए स्क्वायर विच इज अगेन थ्री स्क्वेयर और ऊपर चला जाएगा रूट टू पावर ऑफ टू एन माइनस वन दोस्तों यहां पे आप देख के आ रहे होंगे कि ये जो रिजल्ट है ये actually independent है N से. जी आ, ये है root 5 by 3, N से independent है है से से जी जो कि इसका ये मतलब है कि एसेंट्रिसिटी ऑफ ई एटीन एन एसेंट्रिसिटी ऑफ ई नाइनटीन विल बी इक्वल तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये इनकरेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए तो करेक्ट नहीं होगा चलिए ऑप्शन नंबर ए तो हमारा इनकरेक्ट निकला कोई बात नहीं थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई है यहां पे बट आगे बढ़ते हैं ए ए को को क्रॉस क्रॉस आउट आउट कर कर देते हैं। कर देते हैं हैं नेक्स्ट ऑप्शन कहता है द डिस्टेंस ऑफ अ फोकस फ्रॉम द सेंटर इन ई नाइन इज रूट फाइव बाई थर्टी टू दोस्तों सेंटर से फोकस की डिस्टेंस क्या होती है सेंटर से फोकस की डिस्टेंस क्या होती है बच्चों सेंटर से फोकस की डिस्टेंस होती है ए डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस ऑफ वन ऑफ द फोकस फ्रॉम द सेंटर फ्रॉम द सेंटर ये क्या होती है दोस्तों ये होती है ए ई -E के बराबर चलिए आइए देखते हैं क्या हमें ए ई -E का वैल्यू जो ऑप्शन में दिया गया वैल्यू है उससे मेल खाता है चलिए देखते हैं क्योंकि तो हम ई नाइन के बारे में बात कर रहे हैं ए की जो वैल्यू होगी दोस्तों वहां पे होगी थ्री बाय रूट टू टू दावर ऑफ एट ठीक है सो इन द वैल्यू ऑफ विल बी थ्री बाय रूट टू टू वैल्यू तो फिक्स रहने वाली है ये हम लोगों देख ही चुका है कि सारे इलिप्स जो कि बनेंगे उनके एसेंटिसिटी सेम आने वाले हैं ठीक है सारे आलिप्स के एसेंटिसिटी सेम आने वाले हैं क्योंकि उनका बी बाय ए का रेशियो सेम होगा तो यहां पे जो हमारा डिस्टेंस है ए e, वो क्या निकल के आता है दोस्तों देखते हैं रूट टू टू दी पावर एट इज टू टू दी पावर फोर एंड रूट फाइव बाई थ्री 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 कट गया हमारा वैल्यू जो मिलेगा वो होगा रूट फाइव बाई स क्या रूट फाइव बाई सिक्सटीन है हमारा ऑप्शन में वैल्यू दिया हुआ अरे यार ये भी गलत निकला ये तो रूट फाइव बाई थर्टी टू दे के बैठा हुआ है तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी भी है वो भी गलत साबित हुआ चलिए अब ऑप्शन नंबर सी के और चलते हैं E9 1 6. तो E9. E9 तो हम ने ऑलरेडी बात किया हुआ है ई नाइन के बारे में फिर से चर्चा करते हैं ठीक है तो टू इन टू बी स्क् हो जाएगा टू बाई रूट टू टू दी पार एट स्क्वेर ठीक है डिवाइडेड बाय ए डिवाइडेड बाय ए ए हो जाएगा थ्री रूट टू टू दी पावर ऑफ एट ठीक है चलिए आइए सिंप्लीफाई करते हैं बचेगा, चीज़ा, चीज़ा, 2 to the power 4, तो ऊपर तो है टू टू दी पार थ्री नीचे है थ्री इंटू टू टू दी पार फोर जो कि दोस्तों बन के आएगा वन बाय सिक्स तो वन बाय सिक्स मेरे हिसाब से ऑप्शन में भी दिया हुआ है वन बाय सिक्स जी हां ऑप्शन में भी दिया हुआ है वन बाय सिक्स तो हमारा ऑप्शन नंबर सी तो चलिए फाइनली फाइनली एक ऑप्शन तो हमारा यहां पे सही हुआ है अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी की जो कहता है समेशन ऑफ द एरिया ऑफ आर एन तो जितने भी रेक्टेंगल्स हैं हमारे जो बन के आ रहे हैं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में उनका सम ऑफ द एरिया लेस देन ट्वेंटी फोर है ओके दोस्तों चलिए तो दोस्तों हमारा आर टू का एरिया क्या होगा आर टू का एरिया क्या होगा आइए आर टू को एक बार थोड़ा सा स्केच कर लेते हैं यहां पे तो R2 का डायमेंशन क्या होगा दोस्तों यहां पे ध्यान रखिएगा कि ये जो पॉइंट है वो होगा थ्री बाय रूट टू स्क्वेयर कॉमा टू बाय रूट टू स्क्वेर ठीक है तो ये जो साइड लेंथ होंगे हमारे वो हो जाएंगे सिक्स वो हो जाएंगे टू इंटू थ्री बाय रूट टू स्क्वेर एंड टू इन टू टू बाई रूट टू स्क्वायर दोस्तों आइए जानते हैं कि ये वैल्यू क्या निकल के आने वाली है यहाँ पे ये टू ये टू कैंसिल हो जाने वाला है ये टू ये टू कैंसिल हो जाने वाला है और हमारा एरिया बन के आने वाला है सिक्स तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो R1 का जो एरिया था वो आ रहा था 12, R2 का एरिया आ रहा है 6 और ये अगर हम ट्रेंड कंटिन्यू रखें तो R3 का एरिया आने वाला है 3 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ बेसिकली so दोस्तों यहां पे एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन के आएगी जिसके एरिया होंगे ट्वेल्व सिक्स थ्री थ्री बाई टू डॉट 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 अप टिल इन्फिनिटी है कि नहीं तो व्हाट विल बी द सम ऑफ द एरिया सम ऑफ द एरिया ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स एंड गोइंग फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी ये क्या होगी ये होगी ट्वेल्व प्लस सिक्स प्लस थ्री ऑल द वे टिल इन्फिनिटी तो दोस्तों ये तो इनफाइनाइट जीपी का समेशन है जिसका आंसर होगा ए डिवाइडेड बाय वन माइनस आर वन माइनस आर आर यहां पे होगा हाफ जी हा आर यहां पे होगा हाफ आर यहां पर हाफ की वैल्यू लेके बैठा हुआ है दोस्तों तो यहां पर हमारा आंसर जो निकल के आ जाएगा वो है ट्वेंटी तो दोस्तों ये तो समेशन टिल इन्फिनिटी है तो समेशन टिल एन टर्म्स लेट से अगर हम किसी भी पॉजिटिव नंबर तक जा रहे हैं तो ये जो समेशन होगा वो जाहिर तौर पे समेशन टिल इन्फिनिटी से तो छोटा ही होगा है कि नहीं तो हमारा जो समेशन है वो तो एन टर्म्स तक जा रहा है एस पर ऑप्शंस ऑप्शन में आप देखोगे चलिए मैं आपको ऑप्शन एक बार फिर से दिखाता हूं तो ऑप्शन को यहां पर देखोगे तो हमारा जो समेशन है वो तो एंड तक जा रहा है ठीक है तो अगर एंड तक जा रहा है तो हमारा जो सम होगा एंड टर्म्स तक वो तो फाइनाइट वाले सम से कमी होना चाहिए करेक्ट सो ये दिस आंसर शुड बी लेसर देन राइट तो समेशन ऑफ एरिया ऑफ ऑल दीज रेक्टेंगल्स एंड गोइंग फ्रॉम वन टू एन विल बी लेसर देन ट्वेंटी फोर इसका मतलब क्या दोस्तों की डी इज करेक्ट ऑप्शन तो सी भी करेक्ट है डी भी करेक्ट है तो so, यहां पे हमारा सी भी करेक्ट निकला और डी भी करेक्ट निकला तो दोस्तों हमारा दो ऑप्शन यहां पे सही है विच इज ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी तो आशा करता हूं दोस्तों इस सवाल के माध्यम से आपके कुछ कंसेप्ट रिवाइज हो गए होंगे तो देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एंड स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी